हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ जाना गवर्नमेंट की तरफ से बैन है और जो यहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। पर ऐसा क्यों? क्या ये जगह शापित है या गवर्नमेंट आपसे कुछ छुपा रही है? दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है अल्टीमेट माइंड्स। अंडमान निकोबार का इतिहास आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि इस द्वीप में सबसे पहले निवासी कहां से आए, लेकिन कहा जाता है कि इस द्वीप पर जनजाति कई सालों से यहां के जंगलों में रह रही है, जिन्हें चीन, पुर्तगीज और अरब जहाजी व्यापारियों द्वारा गुलाम बनाकर अफ्रीका से लाया गया था। और किसी कारणवश जहाज के दुर्घटना होने पर इन्हें इसी द्वीप के जंगलों पर छोड़ दिया गया। आज हम इन्हें अंडमान एंड निकोबार द्वीप के समूह के आदिवासियों के नाम से जानते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। दोस्तों, इस आइलैंड की ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो आपको काफी खौफ में डाल देगी। 2 अगस्त 1981 की तारीख, प्रिंस रोज नाम का एक मालवाहक जहाज बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफर कर रहा था। खराब मौसम और कुछ कंफ्यूजन के चलते जहाज भटक गया और सुबह पता चला कि जहाज एक चट्टान से टकराया है। सूखी जमीन देखकर जहाज के कैप्टन को हिम्मत मिली। सामने एक बड़ा टापू था। जहाज टापू से नजदीक था, लेकिन समुन्द्र में काफी हलचल थी, इसीलिए लाइफ बोट उतारना मुश्किल हो रहा था। चूंकि जहाज के डूबने जैसी कोई खतरा नहीं था, इसलिए कप्तान ने फैसला किया कि जहाज पर ही रुककर मदद का इंतजार करेंगे। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन शिप के वॉच टावर में खड़े एक लड़के को कुछ लोग दिखाई दिए। उसने देखा कि कुछ लोग टापू के जंगलों से उसकी ओर आ रहे हैं। पहले तो उसे लगा शिपिंग कंपनी ने रेस्क्यू के लिए कुछ लोग भेजे होंगे। फिर उसने जरा नजर पैनी की, उसे दिखा ये आम लोग नहीं थे। उसी वक्त वहां से कोसों दूर हांगकांग में रेजेंट शिपिंग कंपनी के ऑफिस में फोन की घंटी बजी। फोन उठा, सामने से प्रिंस रोज के कप्तान की कांपती हुई आवाज आई। 50 के आसपास जंगली लोग लकड़ी की नाव से जहाज पर हमला करने आ रहे हैं। शाम तक ये शिप पर चढ़ जाएंगे और कोई नहीं बचेगा। जल्दी ही हेलीकॉप्टर भेजिए। इस बातचीत से ऐसा लग रहा था मानो 18वीं सदी का कॉल 20वीं सदी में आ गया हो। लेकिन इसका कारण भी जिस टापू के किनारे प्रिंस रोज रुका था, उस टापू पर सदियां कभी बीती ही नहीं थी। बहरहाल ये कॉल आते ही कंपनी के ऑफिस में हंगामा मच गया था। बात हांगकांग सरकार तक पहुंची थी। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, लगता है प्रिंस रोज का कप्तान पागल हो गया है। अगले ही दिन प्रेस में खबर छपी कि इस द्वीप के लोग आदमखोर हैं, इंसान को मार कर खा जाते हैं। इधर शिप पर हालत खराब थी। एक फ्लेयर गन, कुछ पाइप, जिसको जो मिले पकड़ कर ले आया। इसका इस्तेमाल कर 24 घंटे तक ये लोग खुद की रक्षा कर सकते थे। टापू के लोग शिप पर तीर चला रहे थे, लेकिन तेज हवा के चलते तीर जहाज तक नहीं पहुंच पा रहा था। ऊपर से शिप की ऊंचाई के चलते कोई चढ़ भी नहीं पा रहा था। एक हफ्ते बाद इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टरों ने इन्हें रेस्क्यू कर लिया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।